चंगी सास। पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार ते टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है। लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या? सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो, ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहां से आई। आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये, जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी, तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुमने मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया, मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है, जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू, ज्यादा बकर बकर ना कर, घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो, कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं, तुम तो फोटो से ही। तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती। संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा।